हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, 30 मई को आज एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था और तीनों शिफ्ट के अंदर किस तरीके के आपके जो सवाल हैं वो आए हैं, और आने वाली शिफ्ट के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके अंदर किस तरीके के आपके सवाल जो हैं आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पर्सनल अपडेट के लिए। तो जैसा कि एसएससी सभी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम दे रही है कि मैथ और रीजनिंग का लेवल जो है वो इजी रख रही है और जीके का लेवल जो है वो हार्ड रख रही है, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि मैं रीजनिंग से अगर स्टार्ट करता हूँ तो रीजनिंग का जो लेवल है अब थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट हो गया है, यानी कि जो सवाल हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। सवाल का जो लेवल है वो वही है, इजी है, लेकिन मॉडरेट इसलिए हो गया है वो क्योंकि एक लाइन में जो सवाल था वो डेढ़ से दो लाइन का हो गया है। जैसे कि अगर मैं कुछ सवाल की बात करता हूँ तो डायरेक्शन से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपके जो सवाल हैं वो आए थे, और वहीं पर ब्लड डिलेशन से एक सवाल, और एक सवाल आपका कैलेंडर से, ये जितने भी आपके, और एक सवाल आपका सिलोगिज्म से आया था, जितने भी आपके मेन टॉपिक हैं रीजनिंग के अंदर से सभी में से एक एक सिंपल सवाल आपका आ रहा है। अगर आपको रीजनिंग में फुल जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पर पकड़ नहीं है तो फिर भी आप 20 से 21 तक आप आसानी से सवाल जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग आती है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप 25 में से 25 अब भी आराम से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मैथ की, तो मैथ के अंदर मेंसुरेशन से सवाल आया है, ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल आया है, वो काफ़ी ईजी सवाल था, और जो ट्रेन से सवाल था वो आपका था कि दो अपोजिट डायरेक्शन में, मैं बात करता हूँ ट्रेन से और दूरी से जो सवाल आते हैं उसमें एक सवाल इस टाइप से था कि दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनका टाइम दिया हुआ था, तो डिस्टेंस बताना था किसी किसी शिफ्ट में, उसमें टाइम बताना था, डिस्टेंस दिया हुआ था। और अलजेब्रा से एक सवाल आया था, सिंप्लीफिकेशन से दो सवाल आए थे आज भी, और जो मैथ का जो लेवल है आज भी इजी लेवल बोलूँगा मैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के हिसाब से जो लेवल है वो काफ़ी इजी है, वरना एसएससी जो है इस तरीके के सवाल नहीं पूछता है। और अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में, हाँ मैथ के बारे में, मैथ के अंदर एक सवाल इजी मेंसुरेशन से और एक ट्रायंगल से और एक दो कंपैरिजन से जो थे वो सवाल आए हुए थे उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल जो कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है, मेरे दोस्त का भी आज एग्ज़ाम था तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि जो लेवल है वो काफ़ी इजी है, आप इजीली 25 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके विद हाई एक्यूरेसी पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोज टेस्ट के 5 सवाल आए थे 21 से 25, और स्पेलिंग एरर के 1 से 2 सवाल थे, और स्पोर्टिंग एरर के आपके सवाल थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से और एक्टिव पैसिव वॉइस से एक आपका क्वेश्चन था, और वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ एक्टिव पैसिव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखा है तो आप इजीली कर देंगे, और करेक्ट स्पेलिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग से आपके 2 से 3 सवाल थे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जीके का लेवल, तो जीके का लेवल जो है वो सभी शिफ्टों में काफ़ी हाई है, हाई का मतलब आर्ट एंड कल्चर से आपके इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि 1985 में 1955 में कि ये गायक था, इसको किस तरीके का अवार्ड मिला गया था, ये किस खेल से किस डांस से ये रिलेटेड है, इस तरीके के जो हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल करंट अफेयर से भी आया था आज, जो कि कैंडिडेट ने बताया, वैसे तो करंट अफेयर से 2 से 3 सवाल आए हैं, लेकिन उस कैंडिडेट को एक ही सवाल आता था तो उसने बताया ये क्या है, लेकिन मैंने उससे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 करंट अफेयर के सवाल, और जीके से जैसे हिस्ट्री वगैरह से होते हैं इनसे कोई भी सवाल नहीं आया है, और सवाल 1 या 2 आए भी हैं किसी शिफ्ट में, जैसे सेकेंड
सेकंड चिप के अंदर आया था, तो वो काफ़ी डीप के अंदर से पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, जैसे कि हर बार पूछे जा रहे हैं सवाल, 5 से 6 सवाल, 7 सवाल वैसे ही पूछे जा रहे थे। और अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साइंस से भी जो है लो लेवल है जो है क्वेश्चन पूछने का, वो काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर आपने जीके नहीं पढ़ी है तो आप टेंशन ना लीजिए, जीके को मत पढ़िए, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे आप अगर जीके पढ़ भी लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर देख भी लेते हैं, तो आप एक्यूरेसी नहीं दे पाएंगे सवाल के अंदर और आपका वो सवाल जो गलत हो जाएगा। इसलिए आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस कीजिए। जीके जितनी आपको आती है उतनी ही आप लेके चले जाइए, अगर उसमें सवाल आपके आते हैं तो ठीक है, वरना ज़्यादा हाथ पर मत मारिएगा, वरना नेगेटिव में आप चले जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। इसलिए जितनी जीके आपको आती है आप उससे ही चले जाइए, वही आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।